सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम टू द टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ द मंथ वेब सीरीज एंड मूवीज इन जुलाई, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना। और जून और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे DM करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 10 है हिंदी मूवी 14 फेरे। कॉमेडी ड्रामा वेब मूवी है जिसकी कहानी है प्यार के बाद होने वाली शादी की, जिसमें अड़चन है लड़के और लड़की के माँ बाप, जिन्हें दूसरी बिरादरी में शादी करते ही मंजूर नहीं है। तो एक मास्टर प्लान बनता है जिसमें 2 शादियां की जाएंगी, जिसमें पहली शादी में लड़के की नकली फैमिली होगी और लड़की की असली फैमिली होगी, और दूसरी शादी में लड़की की नकली फैमिली होगी और लड़के की असली फैमिली होगी। बहुत बम्बल भूसा है राइट? ये बम्बल भूसा तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। क्या बम्बल भूसे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बड़े लेवल का कन्फ्यूजन। नंबर 9 पे है मोस्ट अवेटेड हिंदी डब वेब सीरीज समांतर का सीजन 2। सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर इस सीरीज, जिसमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर कुमार का फ्यूचर चक्रपाणी के पास से जुड़ा होता है। सीजन 1 में दिखाया गया था कि कुमार अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए चक्रपाणी को ढूंढता रहा है, और सीजन 2 में उसकी तलाश खत्म हो जाती है चक्रपाणी को ढूंढ के, और अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई है। लेकिन चक्रपाणी का मन अभी बदल गया है और उसने अब अपने पास्ट के बारे में लिखी किताब में से हर रोज़ एक पन्ना ही पढ़ने देना है कुमार को, जिसकी वजह से अब कुमार की ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है, क्योंकि उसे रात को ही आने वाले कल के बारे में पता चलने वाला है जो उसकी नींदें उड़ा देता है, और स्ट्रेस की वजह से उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह हो रही है। हिंदी डब वेब सीरीज स्काई रोजो का सीजन 2, जो 23 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर एक्शन से भरपूर क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जो सीजन 1 की कहानी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें अमेरिका के एक गैंगस्टर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेक्सिको से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हुए मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच देके अमेरिका में एक बार डांसर का काम देते हुए गुलाम बना के रखता है। लेकिन 3 लड़कियां अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाते हुए भाग जाती हैं वहाँ से, और ये गैंगस्टर के बिजनेस से ज़्यादा उसकी ईगो को हट कर जाता है, और बाकी लड़कियों के लिए एग्जांपल सेट करने के लिए ये गैंगस्टर पड़ जाता है उन 3 लड़कियों के पीछे। और अब सीजन 2 में ये 3 लड़कियां उन गैंगस्टर से दूर भागने की बजाय उनकी जान के पीछे पड़ जाती हैं। अब दोनों में एक्शन भरी जंग होने वाली है, लेकिन 18+ है तो बच्चे दूर रहें इस सीरीज से। सुन रहे हैं इंडिया के 18 साल से कम नॉटी बच्चे। नंबर 7 पे है हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी द टुमारो वॉर, जो कहानी आने वाले कल की है, जब दुनिया में इतने बदलाव हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और बाकी वजहों के चलते हुए। इस मूवी में देखेगा कि इससे बुरा और भी हो सकता है इस दुनिया में। ज़्यादा सीरियस मत लेना इस मूवी को, बस एंटरटेनमेंट और एक थ्रिलिंग राइड के लिए है। अगर आपको 2012 या द डे आफ्टर टुमारो और बाकी दुनिया को बर्बाद होते दिखाने वाली मूवीज़ पसंद हैं तो ये आपके लिए बेस्ट मूवी होने वाली है, जो आपको कुछ घंटों के लिए किसी और ही दुनिया में ले जाएगी। और अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के कहानी में अच्छे से घुसने के लिए और 3D फीलिंग लेने के लिए ईयरफोन्स या हेडफोन लगा कर देखें। सच बता रहा हूँ, थिएटर से भी ज़्यादा फीलिंग आएगी अगर 6 इंच वाले मोबाइल स्क्रीन पर भी देखते हो। नंबर 6 पे है इस साल की बेस्ट हॉलीवुड की हिंदी डब वेब मूवी जंगल क्रूज, जिसमें द रॉक मींस डवेन जॉनसन की ये एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरी फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई को थिएटर्स में, और उसके साथ साथ डिज्नी प्लस पे भी। लेकिन अभी पता नहीं है कि इंडिया में भी हिंदी में हॉटस्टार पे रिलीज होगी सेम टाइम ही या नहीं, जो कि डिज्नी प्लस का इंडियन OTT पार्टनर है। बट फिंगर्स क्रॉस 30 जुलाई के लिए। अगर 30 को नहीं तो 3-4 हफ्ते और इंतज़ार करना पड़ेगा हिंदी डब में ऑनलाइन देखने के लिए। नंबर 5 पे है हिंदी डब वेब सीरीज़ महानगर, जो इसी महीने रिलीज़ हुई क्राइम ड्रामा बांग्लादेशी सीरीज़ है, जिसे हिंदी डब में हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग सीरीज़ है, जो पहले एपिसोड से ही आपको अपने आप से बांध के रखती है, और आखिर तक कहानी में काफ़ी मोड़ आते हैं जिससे कहानी में सस्पेंस और थ्रिल बना रहता है कि आगे चल के कहानी में क्या होगा। एवरेज से थोड़ी ऊपर सीरीज़ है जिसे एक मौका देना गलत नहीं होगा। कह सकते हैं कि इस सीरीज़ की मंजिल तो खास नहीं है, लेकिन रास्ता काफ़ी एंटरटेनिंग है। नंबर 4 पे है हिंदी डब वेब मूवी जॉल्ट, जो US में 23 जुलाई और इंडिया में 24 जुलाई को Amazon पे रिलीज़ हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा ड्रग कॉमेडी वेब मूवी है,
जिसमें बाकमाल धमाल एक्शन देखने को मिलेगा और कहानी भी ऐसी जो 2 घंटे हिलने ना दे, जिसमें एक लड़की है जिसको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा भी किसी आम इंसान जैसा नहीं बल्कि कह लो कि जितना गुस्सा हरे भरे लंबू हल्क को आता है। बस ये लड़की भी गुस्सा आने पे सामने वाली किसी भी बॉडी की माँ बहन करते हुए जान ले लेती है और इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक टेम्परेरी इलाज किया जाता है कि उसकी बॉडी पे एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन लगा दी जाती है कि जब भी उसे गुस्सा आता है एक बटन दबाओ और ठंडे हो जाओ। उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होने लगती है और एक हैंडसम लड़के के साथ प्यार में भी पड़ जाती है, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है और पुलिस शक भी इसी लड़की पे करती है, लेकिन इसको ढूंढना है उसके असली कातिलों को। तो अब तो उसका गुस्सा उफान पे होने वाला है, जिसे करंट तो क्या, खुद हल्क भी आके ना रोक पाए। नंबर 3 पे है हसीन दिलरुबा, हिंदी क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब मूवी जो नेटफ्लिक्स पे 2 जुलाई को रिलीज, जिसकी कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर में हुई एक आम सी अरेंज मैरिज से, जिसकी बुनियाद होते हैं छोटे छोटे झूठ, जैसे लड़की संस्कारी है और घरेलू है वगैरह वगैरह, जो इंडिया में होने वाले हर एक अरेंज मैरिज में जरूरी होता है ये झूठ, जो रिश्ते को पक्का करता है, लेकिन बाद में सच सामने आते हैं जो ज्यादातर एडजस्टमेंट के नाम पे खत्म हो जाते हैं और कुछ रिश्तों में दरार बन के चिपके जाते हैं। लेकिन इस कहानी में उससे भी बदतर होता है, पति की बेरहमी से मौत और शक होता है शादी से नाखुश पत्नी पे, लेकिन वो अपने आप को बेकसूर बताती है। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की अनदर हिंदी वेस्ट वेब मूवी मिमी। हसीन दिलरुबा के बाद मिमी एक कॉमेडी ड्रामा वेब मूवी है जिसकी कहानी है एक डांसर गरीब लड़की की, जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत हैं लेकिन वो अपने बेबाक एटीट्यूड और ओपन माइंडेड सोच से सबका मुंह तोड़ जवाब देती है। और अब उसकी ज़िंदगी में आया एक ड्राइवर मिस्टर पंकज त्रिपाठी, जो उस लड़की के लिए मोटे पैसे कमाने का एक ऑफर लाता है, जिसे सुनने के बाद 3 जनों की एक टीम बन जाती है, जिनकी छोटी और बड़ी दिक्कतें हमें हंसने पे मजबूर कर देंगी, जो हर मुसीबत से निपटने के लिए झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और उसमें इतना गहरे फंस जाते हैं, और मुसीबतों की इसी गहरी दुनिया को दिखाएंगे हमें ये 3 दोस्त या बिजनेस पार्टनर्स भी कह सकते हैं, जिन्हें उनका नसीब अलग नहीं होने दे रहा उनकी मुश्किलों के जैसे। नंबर 1 पे है हिंदी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीज़न 2, जो 30 जुलाई को हॉटस्टार पे रिलीज, जिसकी कहानी सोनी लिव की महारानी वेब सीरीज के सीज़न 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि कहानी उस सीरीज से काफ़ी मेल खाती है। जहां महारानी वेब सीरीज में पति पत्नी में पॉलिटिकल जंग होती है, वहीं सिटी ऑफ ड्रीम्स में वही पॉलिटिकल जंग है बाप बेटी में, जिसमें बाप सत्ता की कुर्सी के लिए अपनी बेटी की जान लेने को भी तैयार है। बहुत बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है ये सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो आपके भी ड्रीम्स उड़ा देगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।